लखीराम ऑडिटोरियम में योग आयोग द्वारा आयोजित योग सम्मेलन एवं सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुई मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया। छत्तीसगढ़ शासन की समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया आज यहां लखीराम ऑडिटोरियम में योग आयोग द्वारा आयोजित योग सम्मेलन एवं सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग हमें प्रकृति से जोड़कर रखता है। योग हमारे अंदर शारीरिक शक्ति के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। योग को भारत में प्राचीन काल से अपनाया गया। योग को निरोग और स्वस्थ जीवन शैली का आधार माना गया। कोरोना महामारी के समय में लोगों को जो शारीरिक और मानसिक परेशानी आई, उसे दूर करने में योग ने सकारात्मक भूमिका निभाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्रीमती भेड़िया ने कहा कि वर्तमान में घटती शारीरिक प्रतिरोधकता, तनाव युक्त व्यस्त जीवन शैली को व्यवस्थित करने में योग का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। समाज के सभी लोगों में योग के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है, जिससे हम एक स्वस्थ समाज, प्रदेश और देश के निर्माण में सहयोगी बन सके। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से तन मन को स्वस्थ रखने के लिए अपनी दिनचर्या में योग को अनिवार्य रूप से शामिल करने का आह्वान किया। योग के बारे में अपना अपना विचार आप लोगों के समक्ष रखे। मैं भी ज्यादा लंबा भाषण इस बारे में नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि सभी ने बहुत अच्छा और सुंदर ढंग से वर्णन योग का जो वर्णन किया है आज यहाँ पर, और इसका परिणाम हम सब देख भी रहे हैं, क्योंकि जो महामारी 2 साल से हम लोग इतना परेशान थे कोरोना काल में, लोग ना उस ऐसे महामारी बीमारी थी, ना दवाई उनके उनको सूट कर रहा था, और ना ही ऐसा कोई चीज़ थी जिससे वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, परंतु एक योग ऐसा था जिससे लोग कम से कम मानसिक रूप से तो उसमें अपने आप को एक स्वस्थ महसूस करने लगे थे। पहले इतना योग को महत्व नहीं दे रहे थे, जबकि ये योग आदि काल से चल रहा है। जब से हमारे महापुरुष, हमारे वैज्ञानिक, हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने योग के साधन करके ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति किए हैं, तो वो बहुत पुराना साधन है ये जो करते आ रहे थे। परंतु बीच में ये ऐसे हुआ जो जिससे हमारे नए पीढ़ी या हमारी जनरेशन जो थी वो ये सब को भूल कर नए नए आधुनिक तरह की जो एक्सरसाइज मशीन है जो उसमें लोग ज़्यादा जुड़ने लगे थे। योग एक कला है जो अपने स्वयं में से आत्मा और परमात्मा में लीन हो जाना और लीन होकर अपने बुद्धि और अपने शरीर को स्वस्थ रखना। ये कोविड के कार्यकाल में हम सब ने करीब 10,000 लोगों ने ऑनलाइन योग का लाभ योग आयोग के तरफ से उठाया है, और मैं ये बात कहना चाहूँगा अब तो वर्तमान में चाहे रायपुर हो, चाहे बिलासपुर हो या अन्य शहरी क्षेत्र हो, वहाँ लगातार योग की क्लासेस प्रारंभ कर दी गई है। लोग लगातार अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, और हमारा उद्देश्य है कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक, जन जन तक, गाँव तक योग के प्रचार प्रसार और शिक्षा को पहुंचाना, जिसके लिए हमारे आदरणीय प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी, आदरणीय अनिला भेड़िया जी, आदरणीय ज्ञानेश शर्मा जी हमेशा मार्गदर्शन कर रहे हैं प्रदेश में, और हमारे सभी योगाचार्य निःशुल्क लोगों को सेवा देकर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का काम प्रदेश में कर रहे हैं। जो लाइन बोली, जो बताया था, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, और उससे पहले मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ विशेष तौर से कि उन्होंने एक अच्छा आयोजन किया। और कहते हैं कि यदि देश को स्वस्थ सुरक्षित बनाना है तो हमको स्वस्थ और सुरक्षित रहना जरूरी है। जिस देश का नागरिक स्वस्थ है तो डेफिनेटली जो चाहे वो बॉर्डर की बात हो या हर फील्ड में, हाँ, वो व्यक्ति अच्छा करता है। कहते भी कि हेल्थ इज अ वेल्थ, यदि आप हेल्थ से ठीक हैं तो सब ठीक है, यदि आप स्वस्थ नहीं है। कि बहुत सारे लोगों की धारणा है कि शरीर। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।